गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर वन. ठीक है, चैप्टर नंबर वन की हम लोग अब सेकेंड वीडियो कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर का नाम क्या था? हाउ वॉल्केनोज केम टू बी. ठीक है, हाउ वॉल्केनोज केम टू बी, यानी वॉल्केनोज कैसे बने या कैसे आते हैं. ठीक है, क्या क्या वॉल्केनोज में होता है, कैसे बनते हैं, तो ये सब अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू यहाँ से करेंगे. देयर आर मेनी माउंटेन्स, कई सारी माउंटेन्स हैं विच हैव एक्टिव मोल्टन लावा, जिसका एक्टिव मोल्टन लावा है, यानी जो समय समय पर लावा निकालता रहता है अपने अंदर से. एक्टिव मतलब जिसमें कुछ टाइम पीरियड के बाद बार बार लावा निकलता रहता है. ठीक है, ऐसे बीनीथ देम और उसके नीचे. ठीक है, दिस लावा राइजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ट्राइंग टू रीच इटसेल्फ जस्ट एज स्टीम फ्रॉम द हॉट वाटर इन द सॉस पैन. और धीरे धीरे क्या होता है बेटा, वो लावा धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहता है, जैसे पानी होता है. ठीक है, उबलता रहता है बाहर निकलने के लिए. ठीक है, जैसे अभी हमने पानी के साथ हुआ था, वो इतना उबलता है, इतनी ज्यादा भाप बना देता है कि ऊपर की प्लेट हिलने लग जाए. When it reached the mountain top, it burst out just like the flower pot that you burn in the Diwali. ठीक है, और जैसे ही वो टॉप पे, यानी यहां से बढ़ता हुआ जब ऊपर पहुंच जाता है, तो एकदम ये चीज को है तोड़ के बाहर निकल जाता है. कैसे? जैसे आप ये अनार जलाते हो ना दिवाली में, बिल्कुल वैसे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, फ्लावर पॉट. एज द वॉल्केनोज इरप्ट, जैसे ही वॉल्केनो फटते हैं, इरप्ट होते हैं, अ थिक स्टिकी लिक्विड लावा फ्लो आउट इन हॉट स्टीम. तो क्या होता है, एक बहुत ही गर्म लावा जो है उसके अंदर से निकलता है. ठीक है बेटे, एक बहुत ही ज्यादा तेज और गर्म लावा जो है उसके अंदर से निकलता है. ठीक है, वाइल कूल्स वेरी स्लोली, जबकि एकदम मतलब धीरे धीरे वो जाके कहीं पर ठंडा होता है. इट ऑल्सो ब्रिंग्स विद इट पॉइजनस एंड फोल स्मेलिंग गैस, और अपने साथ बहुत ही ज्यादा जहरीली और बहुत ही ज्यादा बदबू मारने वाली स्मेल जो है वो लेकर आता है. उसकी जो भी उसमें से निकलता है उसमें बहुत ज्यादा बदबू आती है और बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है. समटाइम्स द फोर्स ऑफ द इरप्शन इज सो हाई, कभी कभी जो फोर्स होती है, जो उसका जब हम किसी चीज को धक्का मारते हैं तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं. ठीक है, जान जब लगाते हैं आप. ठीक है, तो जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उस पर जो फोर्स होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, तभी तो यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाता है, तभी बाहर निकलता है. दैट द पीसेज ऑफ द रॉक आर थ्रोन हाई इन टू द आई, इतना ज्यादा कि अंदर से जो भी पत्थर कंकड़ जो भी चीज होती है वो फट फट के बाहर निकलने लगती है. ठीक है, पूरे माउंटेन्स को फाड़ देती है और फिर ऐसे बहने लगती है. There are many volcanoes which have erupted just once over many thousand of years. कुछ कुछ जो ज्वालामुखी हैं वो ऐसे हैं जो बहुत करोड़ों सालों में एक बार ही फटते हैं. ठीक है, While there are some that erupt every few weeks, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हर हफ्ते फटने लगते हैं, हर हफ्ते उनमें से लावा निकलता है. You will also be surprised to know that the number of volcanoes that erupt under the sea आर मोर देन दैट इरप्ट ऑन लैंड, और आप ये जान के बहुत हैरान होंगे कि पानी के नीचे भी ये जो है वॉल्केनो वो होते हैं, और वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो लैंड पर है, यानी जो जमीन पर है वो कम है वॉल्केनो ज्वालामुखी, और पानी के नीचे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी होते हैं. ठीक है, दिस इज नेचर्स वे ऑफ नॉट डिस्टर्बिंग ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, और ये कुदरत का तरीका है ताकि अगर देखो जमीन पर बहुत सारे वॉल्केनो हो जाएंगे तो क्या होगा, इंसान कभी यहां से हटके वहां पे रहने लगेगा, फिर वहां से बदल के कहीं और रहने लगेगा, क्योंकि लावा जो है, यानी जो गर्म गर्म लावा है, वो उनके घर पे गिर सकता है, उन पर गिर सकता है. ठीक है, तो ऐसा ही कुदरत का तरीका है कि ह्यूमन लाइफ जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और जो इरप्शन है वो भी होता रहे. बट डू यू थिंक द सेम वे फॉर नेचर, मगर क्या आप ऐसा सोचते हैं जैसे नेचर आपके बारे में सोचता है, जैसा नेचर हमें हमेशा सोचता है कि इंसान को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए. क्या आप ये सोचते हो कि जैसे अगर आपने कहीं फूल देखा, आपने उसको तोड़ लिया,
ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि वो अभी जिंदा है, आपने उसको मार दिया, तोड़ के मार देते हैं हम लोग, ठीक है, आपने पौधे तोड़ दिए, उसको खराब कर दिया, ठीक है, कभी किसी चीज में लात मार दी, ठीक है, ऐसे जो चीज है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। आपको भी अपनी नेचर के बारे में सोचना चाहिए कि पौधे ना तोड़े, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ अपने अपने घर के आसपास। अगर आपके घर में पौधे लगे हैं तो उसको समय से पानी दो ताकि वो जिंदा रहे, ना कि मर जाए, ठीक है। तो अच्छे से आपको अपनी नेचर यानी कुदरत की कदर करनी है, पानी को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, जितना पानी पीना है उतना ही लो, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। Why do we disturb nature all the time? तो हम क्यों अपने नेचर को डिस्टर्ब करते हैं हर समय, ठीक है, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है और आगे से ध्यान रखना है कि हम अपनी नेचर को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो बेटा आपका जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश होता है।